नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों 22 अप्रैल की सुबह जहां आधा देश नींद में सो रहा था, वहां Facebook ने एक जोरदार धमाका किया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, एक ऐसी डील को अंजाम दिया गया जब पूरी दुनिया सो रही थी, जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जी हां, देश की और दुनिया की दो दिग्गज कंपनी अमेरिकन बेस्ड Facebook और इंडियन बेस्ड रिलायंस जियो ने करार किया, जिसमें रिलायंस में 9.99% की इक्विटी हासिल की Facebook ने, जिसकी अगर इंडियन रुपीज में कैलकुलेशन की जाए तो मोटा मोटा 43,500 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बनती है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि ये डील क्यों हुई है ऐसे समय में जब COVID-19 के चलते जगह जगह एक डर का माहौल है, टेंशन का माहौल है। जो मार्केट के ज्ञाता लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, वो कह रहे हैं इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, GDP माइनस में आ जाएगी, पूरा वर्ल्ड पैनिक में है। ऐसे समय में इस डील का क्या मतलब है और इस डील से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, असली फायदा किसे पहुंचेगा, रिलायंस को, Facebook का, या ये फायदा आपके और मेरे तक भी पहुंच सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस डील की पूरी बारीकियां आपको समझाने में आपकी मदद कर सकूं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो पे सभी का अधिकार है तो इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं। और अगर इस समय में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो देश की दिग्गज कंपनी एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोलें। आइए जानते हैं क्या है Facebook और जियो की ये डील। डील के इंपैक्ट से पहले दोस्तों इस डील की डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं, आपको बता देता हूं। Zuckerberg जो Facebook के मालिक हैं, उनकी नेटवर्थ फिलहाल है 63.3 बिलियन। बिजनेस पब्लिकेशन Forbes के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नेटवर्थ है 47. इससे आप समझ सकते हैं कि ये डील दो बड़े प्लेयर्स के बीच में हुई है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा सिंगल ओनरशिप डील है अब तक की। इस डील में एक्चुअली Facebook ने रिलायंस जियो के अंदर $62 मिलियन का निवेश किया है, जिसका मतलब है लगभग 43,574 करोड़। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डॉलर से INR का कन्वर्जन 70 रुपए के हिसाब से आता है, जबकि USD का रेट अभी हाल फिलहाल काफी बढ़ चुका है। इसका यह मतलब है कि ये डील उस टाइम से करने की कोशिश की जा रही थी जब US डॉलर 70 रुपए के आसपास था, मतलब कोरोना लॉकडाउन से पहले। और ये डील अभी अनाउंस करने का एक रीजन यह भी हो सकता है कि शायद इन कंपनीज के पास ये इंफॉर्मेशन है कि कोरोना वायरस का पीक टाइम इंपैक्ट हो चुका है और अभी दुनिया भर में हालात बेहतर होने की संभावना है, इसलिए इन्होंने अभी इस डील का अनाउंसमेंट किया। ये सारे पॉइंटर्स एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में कैसे होगा इस डील का इंपैक्ट, क्या छुपा है इस डील में हिंदुस्तान के लोगों के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों आगे चर्चा करेंगे रिलायंस के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, जो इस डील से कहीं ना कहीं संबंधित है। भारत में Facebook के 328 मिलियन मंथली यूजर्स हैं। WhatsApp जिसका ओनर भी Facebook ही है, उसके मंथली 400 मिलियन यूजर्स हैं। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस डील के सफल होने के पीछे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस डील के पीछे की कहानी क्या है। 8 फरवरी को Facebook ओन मैसेजिंग सर्विसेज WhatsApp ने रेगुलेटरी अप्रूवल सिक्योर किया इंडिया में अपना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म WhatsApp पे लॉन्च करने के लिए। भारत में डिजिटल पेमेंट्स की मार्केट वैल्यू 135 बिलियन के आसपास होने वाली है 2023 तक। इस मार्केट में अभी लीडिंग प्लेयर है गूगल पे और फोन पे, जिसके पास भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट का 35% शेयर है। पेटीएम के पास 16% शेयर है, जो उसको लेके वो थर्ड पोजीशन में है। गूगल ठहरा Facebook का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिंग टेक्नोलॉजी फर्म, इसलिए Zuckerberg ने WhatsApp पे के अप्रूवल के बाद उसके सक्सेसफुल इंडिया लॉन्च की प्लानिंग करनी चालू की। अब आते हैं रिलायंस की कहानी में। रिलायंस ने अपने खुद के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की न्यूज दी थी जनवरी 2020 में। ई कॉमर्स में दुनिया और देश में सबसे बड़ा प्लेयर है Amazon। Amazon ने भी अपनी मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट्स करना शुरू कर दिया है।
तो अमेज़ॉन पे एक तरीके से व्हाट्सएप पे का भी कॉम्पिटिटर है और अमेज़ॉन खुद रिलायंस के आने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ऐसे में ज़ुकरबर्ग और मुकेश अंबानी को एक दूसरे में ऐसा दोस्त दिखा जो अगर हाथ मिला ले तो इंडिया के ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को लीड कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हथियार और पॉजिटिव पॉइंट है रिलायंस जियो का बढ़ता हुआ कस्टमर बेस जो लगभग 370 मिलियन यूजर्स है इंडिया में जनवरी 2020 तक और उनका हाई क्वालिटी मोबाइल नेटवर्क। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि एक फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट और ऐप बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए वो फेसबुक से बेहतर कोई और इंप्लीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अमेज़न से डायरेक्ट कंपटीशन है और इसलिए ये डील एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप का दरवाजा भी खोल सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस की ये डील और किराना जो व्यापार है उसके बीच में जो रिश्ता है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज के चलते रिलायंस और फेसबुक ने ये डील किया है, ऐसा मार्केट के जो ज्ञाता हैं, जो जानकार हैं, उनका मानना है। मुकेश अंबानी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते डिजिटल ट्रांजेक्शन आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। द मेन फोकस ऑफ द डील इज टू कम अप विद ए डिजिटल बेस्ड सॉल्यूशन फॉर 16 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, 120 मिलियन फार्मर्स, 30 मिलियन स्मॉल मर्चेंट्स एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इसका सीधा मतलब है कि रिलायंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देश के छोटे और मिडिल लेवल बिजनेसेस को जोड़ने की कोशिश की जाएगी जिसमें फार्मर्स, किराने की दुकान ओनर्स, स्मॉल रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स को इंक्लूड करने की कोशिश होगी। मतलब है कि अमेज़न का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन और इस काम में ज्यादा मुनाफे के लिए पेमेंट गेटवे भी खुद का होना चाहिए। गूगल सबसे बड़ा प्लेयर है, वो अभी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। व्हाट्सएप पे नया आया है, अगर फेसबुक को रिलायंस ई कॉमर्स के जरिए एक रेडीमेड मार्केट मिल जाए तो इमीडिएटली वो डिजिटल पेमेंट्स मार्केट के एक बड़ा हिस्सा क्लेम कर पाएगी। तो ये दोनों कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा मुनाफे वाली डील साबित हो सकती है। लेकिन क्या इससे किराने और दुकान और फार्मर्स को कोई डायरेक्ट बेनिफिट होगा? इसका सीधा जवाब है कि फिलहाल देश में मिडिल मैनेजमेंट का सिस्टम चालू है जहां फार्मर्स और रिटेलर्स अपने सामान का भाव में मिडल मैनेजर्स को बीच में रखते हैं जिसमें ये लोग अपना भाव और टैक्स और मुनाफा चढ़ा के उसको रीलेबल करके फिर से बेचते हैं। इससे ज्यादातर मुनाफा जाता है इन बिचौलियों को और देश का मिडल और लो इनकम बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर रिलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाई जहां किराने वाले किसान और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को सीधा सीधा बेच पाते हैं और मुनाफे का लाभ उठा सकते हैं तो बिचौलियों से छुटकारा मिल सकता है और सबको हेल्प हो सकती है। लेकिन ये पूरा गेम डिपेंड करता है कैसे रिलायंस और फेसबुक इन सारे प्लान्स को आगे बढ़ाती है। दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि क्या फेसबुक इस डील के जरिए अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर का दरवाजा भारत की एक कंपनी के लिए खोलेगी? क्या व्हाट्सएप पे आने वाले दिनों में गूगल पे को टक्कर दे पाएगा? क्या जियो फेसबुक डील हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत है? ये तो सिर्फ समय पे निर्भर करता है, ये तो सिर्फ समय बताएगा। तब तक के लिए आप स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ। दोस्तों मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हिंदुस्तान हमेशा से सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया रहेगा। दोस्तों बहुत सारी आंधियां आई और बहुत सारी आंधियां चली गई, हिंदुस्तान ने हमेशा तरक्की की है। कोविड-19 में जहां पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट थी इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए, वहीं पूरी दुनिया अब नजर उठाएगी हिंदुस्तान की तरफ। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान थर्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमी है वर्ल्ड में। दोस्तों हम बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ये समय जहां स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से 30-40% तक अभी तक गिर चुकी है और हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत और गिरे, ये समय वो है जो मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। दोस्तों इस समय में आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहिए। हिंदुस्तान FDI का गढ़ है, FDI को हम अट्रैक्ट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में जितने भी FDIs है वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं क्योंकि ये हॉटस्पॉट है FDI के लिए। दोस्तों कोरोना वायरस के समय में भी हम सब मिलके इसका डट के मुकाबला कर रहे हैं और हिंदुस्तान एक महाशक्ति बनके उभरेगा, ऐसा दिग्गजों का मानना है, मेरा भी मानना है। मैं अपने देश में भरोसा करता हूं, आपसे भी अपील करूंगा कि इस देश में भरोसा कीजिए। दोस्तों आने वाला समय बहुत ही खुशहाल होगा, बहुत शानदार होगा, हमारी जनरेशन बहुत तरक्की देखने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाशिए और प्लीज किसी भी रूमर्स पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। स्टडी करने का टाइम है, लर्निंग का टाइम है। अर्निंग विल स्टार्ट ओनली वंस यू लर्न, सो लर्न बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।